हाई स्टूडेंट्स, माई नेम इज फैज साकिर। वेलकम टू थर्ड लेसन ऑफ योर सिविक्स, आवर पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेचर। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट जो है वह सुप्रीम होता है और ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है वह रियल हेड होता है, प्रेसिडेंट जो है वह नॉमिनल हेड होता है और एग्जीक्यूटिव जो है वह लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होता है, उसको जवाब जो है वो देना होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट जो है वह लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है और ये लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट को हटाना जो है वह एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। जैसे मैंने आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जाम्पल जो है वह मैंने आपको बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग नीड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेंगे, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है। कहता है कि अंडर द ब्रिटिश रूल द पीपल ऑफ इंडिया लिव्ड इन फियर ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है क्या कि जब अंग्रेज भारत पर रूल करते थे तो भारत के लोग डर के साए में अपनी जिंदगी जो है वो गुजारा करते थे। पीपल डिडंट एग्री विद मैनी ऑफ द गवर्नमेंट्स डिसीजंस। कहता है कि जो लोग जो थे वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे फैसलों से सहमत नहीं थे, बट दे हैड टू फॉलो देम। लेकिन उनको हर हाल में उस फैसले को मानना होता था। इफ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजंस दे फेस्ड ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज। कहता है कि अगर वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस को, फैसलों की आलोचना करते, उसकी खामी निकालते तो फिर उनको जो है बहुत ही जो है रिजल्ट जो है वह बहुत ख़राब होता था। द नेशनलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड दिस सिचुएशन। लेकिन कहता है क्या कि आप देखेंगे कि जब भारत में जब आज़ादी के आंदोलन जब चलने लगे तो फिर यह सिचुएशन जो है वह चेंज हो गई। द नेशनलिस्ट्स बिगन टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहता है कि जो राष्ट्रवादी लोग जो थे वह जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना किया करते थे और खुलकर किया करते थे। दे फेल्ट डैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। उनका यह मानना था कि सरकार को लोगों की नीड्स और डिमांड्स के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। डैट इज वाई दे सपोर्टेड द आइडिया डैट ऑल अडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट। इसीलिए उन लोगों ने इस विचार को सपोर्ट किया कि तमाम लोगों के, तमाम जो अडल्ट्स हैं, चाहे वो मर्द हों औरत हों, सब किसी को जो है वो वोटिंग का राइट जो है मिलना चाहिए। इंडिया चूज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द फ्लोइंग रीजन्स। कहता है कि भारत ने जो नीचे जो कुछ कारण दिए हुए हैं जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके वजह से जो है वह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिस्टम को चुना, प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिस्टम को नहीं चुना। फर्स्ट कहता है दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। कहता है कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सही मायनों में लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कहता है कि इस सिस्टम के तहत सरकार जो है वह जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब लोग जो है वह अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वह गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है इस तरह से जो है जो सरकार जो होती है वह जनता के प्रति जो है अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। हाउएवर दिस इज नॉट सो इन द प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन कहता है क्या कि प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो सकता है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द पार्लियामेंट इनेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। कहता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट जो है वह लोगों को जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त देता है
और जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की भी इजाजत देता है। आवर लीडर्स वर ऑलरेडी फैमिलियर विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। और सबसे बड़ी बात यह कि आप देखेंगे कि जब अंग्रेज थे तो उस जमाने में भी इसी सिस्टम के तहत जो है वह देश को चलाया जाता था, तो हमारे जो नेता जो थे वह ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत उससे वह परिचित हो चुके थे, इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को चुना गया। थर्ड कहता है, इन सच अ गवर्नमेंट अ डिस्टिंक्शन इज ड्रॉन बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है कि इस सिस्टम में जो है जो हेड ऑफ द स्टेट है मतलब जो प्रेसिडेंट है और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उसके बीच में फर्क किया गया है, एक लाइन जो है वो ड्रॉ की गई है। द हेड ऑफ द स्टेट मे बी अ मोनार्क, कहता है कि हेड ऑफ द स्टेट कोई राजा हो सकता है और रिपब्लिकन और एन इलेक्टेड पर्सन या कोई चुना हुआ इंसान। ही और सी इज ऑनली द नॉमिनल हेड एंड परफॉर्म्स ऑनली द सेरेमोनियल फंक्शंस डेट टू ऑन द एडवाइस ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वह नॉमिनल होता है, वह रियल हेड नहीं होता है, वह सिर्फ जो है सेरेमोनियल फंक्शंस वगैरह ही कर सकता है। और अगर वह कोई काम वह भी जो है वह आप देखेंगे कि जो है वह जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसकी एडवाइस से ही वह कर सकता है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू डेली स्क्रूटनी ऑफ द पीपल थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। इट कुड बी पुट आउट ऑफ पावर एनी टाइम इट फेल टू डिलीवर द गुड्स। कहता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो आप देखेंगे कि लोग जो है वह सरकार को हमेशा जो है वह देखते रहते हैं कि सरकार कहीं पर गलत कर रही है या नहीं, या कहीं पर कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू लोग करते हैं, सरकार पर लोग जो है वह अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं। और कहता है क्या कि अगर सरकार बेहतर तरीके से नहीं काम करती है तो फिर आप देखेंगे कि लोग जो है वह सरकार को बदल भी देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट। कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वह देश का रियल हेड होता है। ही और सी हैज़ टू मेंटेन द मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल इधर सिंगली और इन कम्बिनेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज। कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होनी चाहिए, या तो उसकी अपनी पार्टी की मेजॉरिटी हो या फिर कोलेशन मतलब गठबंधन की सरकार हो। द प्राइम मिनिस्टर हायर्ड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एंड ऑल्सो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द सेम हाउस। कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आप देखेंगे कि कुछ लोगों को और कुछ लोगों को जो है वह काम सौंपता है, उनको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, और भी वो मिनिस्टर्स को बनाता है। और ये जो जो है ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या जो प्राइम मिनिस्टर जो है वह आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑप्टेड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, मैंने बताया था कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहाँ पर कानून बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो लोग कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और आप देखेंगे जुडिशियरी का मतलब कोर्ट्स होता है। तो कहता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो, कोई झगड़ा नहीं हो, इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है वैसी असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, उसने डिसाइड किया कि भारत जो है वह एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। मतलब हम लोग जो है वह प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिस्टम को नहीं चुनेंगे, भारत जो है वह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिस्टम को चुनेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा नीड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगले वीडियो में हम लोग द पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे, लोकसभा राज्यसभा वगैरह को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन फॉर इट्स मेंबर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब आप कोई भी इंसान जो है वह लोकसभा का मेंबर कैसे बन सकता है या फिर राज्यसभा का मेंबर कैसे बन सकता है। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया होगा वह समझ में आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग द पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।
डैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।